हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका वेलकम है। आज हम लर्न करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है जिसे हम सी में फॉर्मेटेड इनपुट तथा आउटपुट फंक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग इनपुट या आउटपुट की जाने वाली वैल्यू के फॉर्मेट को दर्शाती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हमेशा परसेंट के सिंबल से स्टार्ट होती है। आइए हम सी में कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहा जा सकता है ना, या फॉर्मेट स्ट्रिंग भी हम कह सकते हैं। पहला जो हमारे पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग है, दैट इज परसेंट डी या फिर परसेंट आई। परसेंट डी या परसेंट आई जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उनका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी साइंड डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने x एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली है 10। ये डेसिमल वैल्यू है। हमने सपोज प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसमें हमने प्रिंट करवाया परसेंट डी से x की वैल्यू को, तो आउटपुट आएगा हमारा 10। देन अगेन परसेंट आई से हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराया, उसका भी आउटपुट आएगा 10। इसी तरह से हमने y बराबर -10 किया है, परसेंट डी से हमने वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया -10, एंड अगेन हमने परसेंट डी से वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया तो -10। ओके, ऊपर वाली जो लाइन है इसे इग्नोर कर दें, ये एक्स्ट्रा टाइप हुई हुई है स्लाइड के। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है या फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट यू। जिस तरह से परसेंट डी या आई साइंड वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, साइंड इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, साइंड का मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है, उसी तरह से परसेंट यू का हम इस्तेमाल करेंगे अनसाइंड वैल्यूज के लिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया अनसाइंड शॉर्ट इंट एक्स बराबर 1, और दूसरा हमने वेरिएबल बनाया वाई जिसकी वैल्यू हमने रखी है -1। हमने प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके यहाँ पे परसेंट यू से प्रिंट कराया पहले एक्स की वैल्यू को। एक्स में क्या पड़ा हमारे पास? पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा आउटपुट में। देन परसेंट यू से हमने प्रिंट कराया वाई की वैल्यू को। अब देखिए वाई में क्या है? -1, जबकि अनसाइंड जो वेरिएबल है वो नेगेटिव वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं, तो वाई के अंदर आ जाएगा 65535। कैसे आएगा ये हम लेटर ऑन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कन्वर्जन के बारे में, तो आउटपुट आएगा 65535। इसी तरह से हमने परसेंट डी से प्रिंट कराया एक्स की वैल्यू को, 1 प्रिंट करेगा। देन परसेंट डी से हमने प्रिंट कराया y की वैल्यू को, तो अगेन आउटपुट क्या आएगा? 65535, क्योंकि हमने x जो बना रखा है अनसाइंड बना रखा है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट o। परसेंट o को हम यूज करते हैं अनसाइंड ऑक्टल इंटीजर वैल्यूज के लिए। जैसे हमने x यहां पे वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू रखी 0, 10। देखिए अगर डायरेक्ट 10 होता तो होता डेसिमल का 0, 10। जब भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा हो इंटीजर नंबर c में, तो उसे कंसिडर किया जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम की वैल्यू में। और ध्यान रखिए 0 के बाद में वैल्यूज कहां से कहां तक आ सकती हैं? 0 से लेके 7 तक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 वैल्यूज होती है 0 से 7 तक। इस x की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया परसेंट o से, तो x का ऑक्टल मान है हमारे पास 10, आउटपुट में आ जाएगा 10। x की वैल्यू को परसेंट d से हमने प्रिंट कराया। आप देखिए d का मैंने बताया था डेसिमल में यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो जब आप ऑक्टल 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू क्या आती है अपने पास में? 8। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आप देखें अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? 10 and 8। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एक्स, स्मॉल परसेंट एक्स एंड कैपिटल परसेंट एक्स, दोनों ही यूज आते हैं अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। अंतर केवल यह है कि जब आप स्मॉल परसेंट एक्स से वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो जो हेक्साडेसिमल ए से लेकर एफ तक का मान है वो स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होता है, जबकि कैपिटल परसेंट एक्स का यूज करके प्रिंट करवाने पर हेक्साडेसिमल में जो ए बी सी डी ई एफ है वो कैपिटल में प्रिंट होती है। उदाहरण के तौर पे हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स जिसमें हमने वैल्यू डाल रखी है ए। अब गौर से देखिएगा, इसको हमने 0x से चालू किया, ये 0 है ओ नहीं है। 0x से किसी भी नंबर को चालू करने का मतलब सी में होता है हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे x का मतलब, x में हमने क्या डाल दिया? हेक्साडेसिमल a। नाउ हमने इसको प्रिंट करवाया परसेंट x स्मॉल से, तो स्मॉल a प्रिंट करेगा, परसेंट x कैपिटल में तो कैपिटल a, एंड परसेंट d से जब x के मान को प्रिंट कराया तो x में क्या पड़ा था? हेक्साडेसिमल a। हेक्साडेसिमल a का हमारे पास जो
मान है डेसिमल के अंदर वो कितना होता है 16, कन्वर्जन आप देखें एक बार। तो परसेंट डी की जगह पर जब हम प्रिंट करा रहे हैं यहां, तो परसेंट डी की जगह पर वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 16। नेक्स्ट हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे हमारा परसेंट एफ। परसेंट एफ यूज में आता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए, जनरली फ्लॉट डेटा टाइप की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट के बाद में परसेंट एफ जो है बाय डिफॉल्ट हमेशा 6 डिजिट का प्रिसीजन लेता है, चाहे आपने पॉइंट के बाद में चाहे एक ही डिजिट यूज करी हो, लेकिन जब आउटपुट आएगा प्रिंट एफ के थ्रू परसेंट एफ का यूज करके, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट देगा आपको 6 डिजिट। इसी तरह से हम परसेंट ई और कैपिटल परसेंट ई का यूज कर सकते हैं। ये दोनों यूज में आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, जिसको मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसेंट जी। परसेंट जी जो यूज आता है ये भी डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज में आता है, लेकिन इसमें जो प्रिसीजन आएगा पॉइंट के बाद वो उतना ही होगा एग्जैक्टली जितना हमने वैल्यू में डाला है। जैसे हमारे पास फ्लॉट वेरिएबल है एक्स, जिसकी वैल्यू हमने क्या रख रखी है 1.5। अब जब इस एक्स के मान को हम प्रिंट करा रहे हैं परसेंट एफ से, तो गौर से देखिएगा जो परसेंट एफ की जगह एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 1.5, और उसके बाद में 5 टाइम 0, क्योंकि मैंने बताया कि परसेंट एफ जो है पॉइंट के बाद में टोटल 6 डिजिट लेता है। परसेंट स्मॉल ई से जब हमने प्रिंट कराया, एक्सपोनेंट मेंटिसा फॉर्म है जिसमें ई की पावर में हम वैल्यू को दिखाते हैं, चूंकि हमने स्मॉल ई का यूज किया है तो ई जो है वो स्मॉल लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से परसेंट कैपिटल ई का हमने यूज किया, बैकस्लैश लगाया तो अगली लाइन में जाएगा आउटपुट, तो यहां पे भी एक्सपोनेंट मेंटिसा फॉर्म में आउटपुट आएगा लेकिन ई जो है कैपिटल आएगा। एंड चौथा जो हमने परसेंट जी का यूज किया था, परसेंट जी के बारे में मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये गिवन प्रिसीजन पे काम करता है। गिवन प्रिसीजन का मतलब हो गया हमने अगर 1.5 दिए वैल्यू तो 1.5 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चौथी जो वैल्यू यहां पे प्रिंट हो रही है 1.5 हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज परसेंट पी। ये बेसिकली किसी भी एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करवाने का काम करता है। जैसे हमारे पास एक इंटीजर एक्स वेरिएबल है, मैंने प्रिंट करवाया परसेंट पी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स, तो अभी यहां पे देखिए आउटपुट जो हमारा आएगा, ये हमारे पास एड्रेस है 22FE4C, एंड परसेंट पी ऑटोमेटिकली क्या करता है, टोटल अप्रोक्सीमेट 16 डिजिट का एड्रेस प्रिंट कराता है। लेकिन ये 16 डिजिट जो है ये वेरी कर सकती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, दैट मींस डेवलपर C++ हो सकता है 16 में दिखा रहा हूं और टर्बो में हो सकता है केवल 6 डिजिट में ही आपको आउटपुट दिखाए। ये अलग अलग कंपाइलर और प्लेटफॉर्म पे वेरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर है परसेंट सी एंड परसेंट एस। परसेंट सी के बारे में हमने पढ़ा है, अनसेंड कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज में आता है। परसेंट एस जो है वो स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए यूज में आता है। जैसे हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया एक्स, एंड इस एक्स की वैल्यू को हमने परसेंट सी से प्रिंट कराया, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा ए। इसी तरह से हमने परसेंट एस कॉमा करके दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या होगी, स्ट्रिंग जिसको परसेंट एस जो स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा, तो इससे अपना आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड हमने स्ट्रिंग को कॉन्स्टेंट फॉर्म में लिया है, किसी कैरेक्टर टाइप के एरे में असाइन करके उसे भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे पास मिनिमम विड्थ स्पेसिफायर या फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। मिनिमम फील्ड विड्थ देने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है हमें प्रोग्राम के अंदर किसी नंबर को कम से कम कुछ पर्टिकुलर गिवन कैरेक्टर्स की या कुछ इस पर्टिकुलर स्पेस में प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास में एक वैल्यू है 4। अब 4 तो एक ही डिजिट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो 3 कैरेक्टर का स्पेस ले टोटल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंट और डी होता है उसके बीच में वो नंबर स्पेसिफाई कर देंगे जितनी विड्थ अपने को उस नंबर को प्रिंटिंग में देनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंटीजर को हमें अगर 8 स्पेस में प्रिंट कराना है, मतलब हम चाहते हैं वो इंटीजर वैल्यू टोटल 8 कैरेक्टर का स्पेस ले, तो हम उसे प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंट 8D। अब परसेंट 8D का जब हम यूज करेंगे टोटल 8 कैरेक्टर का स्पेस लेगा। अब सपोज वैल्यू थी हमारे पास 4, तो पहली 7 जो कैरेक्टर की पोजिशन है वो स्पेस से फिल होकर आएंगे और 8वीं पोजिशन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा अपना 4। ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन करके दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइन हो, मतलब 4 शुरुआत में प्रिंट हो उसके बाद 7 स्पेस खाली आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, -8 यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास खाली स्पेस है उसके अंदर स्पेस की जगह 0 आए, तो हम यूज कर देंगे परसेंट 08। तो परसेंट 08D का मतलब क्या हो गया, जो एम्प्टी स्पेस है अपने पास 8 पोजिशन के अंदर वो अपना फिल हो जाएगा 0 से इंस्टीड ऑफ स्पेस कैरेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हमने प्रोग्राम के अंदर एक एक्स वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू डाल दी 123,
एंड इस x की वैल्यू को हमने पहले प्रिंट कराया परसेंट 4d से, तो टोटल चार कैरेक्टर का स्पेस लेगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो ब्लैंक होगी, उसके बाद में एक स्पेस के बाद में प्रिंट होएगा 123। दूसरे प्रिंट एफ में हमने किसका यूज किया, परसेंट 8d का, ठीक है। तो परसेंट 8d का यूज करने से क्या होगा, ये 123 टोटल 8 कैरेक्टर का स्पेस लेगा, मतलब फर्स्ट 5 जो पोजीशंस हैं वो ब्लैंक होंगी और उसके बाद में क्या आएगा अपने पास 123 आएगा। आउटपुट इस तरह का होगा कुछ, ये देखिए जो हमारे पास में 123 है उससे पहले एक कैरेक्टर का स्पेस, जबकि दूसरा जो प्रिंट एफ है उसके लिए जो प्रिंट हो रहा है उससे पहले अपने पास 5 कैरेक्टर का स्पेस। कैसे पता लग रहा है, ये एक स्पेस, फिर 3 कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस, फिर एक और कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस, देन 123। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिसीजन स्पेसिफायर। प्रिसीजन स्पेसिफाई करने के लिए हम परसेंट और जो एफ है या एल एफ है उसके बीच में पॉइंट के बाद में एक नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा परसेंट पॉइंट फॉर एफ, तो उसका मतलब है जो फ्लॉट वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा उसमें पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 डिजिट आएंगी। अगर मैंने दिया परसेंट पॉइंट 5f, दैट मीन्स पॉइंट के बाद में 5 डिजिट आएंगी। अगर मैंने दिया परसेंट पॉइंट 2f, दैट मीन्स पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने एक फ्लॉट वेरिएबल बनाया x, उसकी वैल्यू को हमने सबसे पहले प्रिंट कराया परसेंट f से, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट करेगा 123.5 और उसके बाद में 5 बार 0। परसेंट पॉइंट 1f से जब हमने प्रिंट कराया तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट आएगी, दैट मीन 123.5। परसेंट पॉइंट 3f से जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये आउटपुट आएगा 123.5 और उसके बाद में 2 0। इसी तरह से सपोज मैंने दूसरा एक और प्रिंट एफ लगाया जिसके अंदर मैंने यूज किया प्रिंट एफ परसेंट पॉइंट 4f, तो एक्स की वैल्यू में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लेगा, टोटल 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का मतलब हो गया 123.5 और उसके बाद में 3 बार 0। एंड उसके बाद जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो यहां पे हमने यूज किया है परसेंट पॉइंट 0f। पॉइंट 0 का मतलब पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं, तो ये नंबर को राउंड कर देगा। अब देखिए नंबर क्या था, 123.5, राउंड करके वो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 124। तो आउटपुट ये आएगा हमारे पास में, पहले जब हमने परसेंट एफ से प्रिंट कराया पॉइंट के बाद में टोटल 6 डिजिट आ रही, पॉइंट 1f से प्रिंट कराया पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट 3f से प्रिंट कराया पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, पॉइंट 4f से प्रिंट कराया पॉइंट के बाद में 4 डिजिट, एंड पॉइंट 0f जब हमने करा तो वैल्यू राउंड हो गई अपनी। अब पॉइंट के बाद में चूंकि 5 था तो राउंड होकर के अपर इंटीजर पे जाएगा, पॉइंट 5 से छोटी वैल्यू होती है अगर पॉइंट के बाद में तो नीचे वाली वैल्यू पे चला जाता, मतलब अगर 123.2 होता तो परसेंट पॉइंट 0f से प्रिंट करने पर क्या प्रिंट होता अपने पास में, 122 प्रिंट होता। तो ये हमारे कॉमनली यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे। इनके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे मुझे पर्सनली ईमेल करके भी इस बारे में मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।